हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार वेदन के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग से ये मैं सांकेतिक की टाइप करवा रहा हूं, जो किसी चैप्टर में कवर नहीं हुए हैं उन सबको यहां लिख रहा हूं, और उम्मीद करता हूं इनसे तो सब लोग शुरुआत करते ही हैं, इसलिए चैप्टर वाइज पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको रीजनिंग मिक्स कह सकता हूँ, मिक्स, ठीक है। और ये UPSI में आए हुए एक ही सेट के क्वेश्चन है, फिर से इतने इतने क्वेश्चन इन मिक्स क्वेश्चन से, यानी सांकेतिक से, जहाँ से आप शुरुआत करते हैं रीजनिंग को पढ़ने की, वहीं से 10-10 क्वेश्चन एक एक सेट में पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा 25 मार्क्स रीजनिंग में, UPSI में, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से पूछे गए हैं, हर सेट में यही हाल है, ठीक है। तो भाई, रीजनिंग कहाँ मुश्किल थी अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करना जान जाते हैं तो। और करने में क्या है, देखिए, ये सीरीज होती है या कोई लॉजिक होता है, लग जाएगा तो हो सकता है आपका 10 सेकंड में या 1 सेकंड में लग जाए, ना लगे तो ये 3 दिन तक बैठे रहो तब भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर करना नहीं चाहिए। चलिए, तो जैसे हमारा ये पहला ही है, तो इसमें क्या लॉजिक इसने लगाया है, बहुत मतलब मुश्किल मुश्किल लॉजिक की सीरीज आई है, आसान सीरीज नहीं थी। गुणा 6 करके -1 किया है, फिर गुणा करिए इसने 5 की और -2 कर दिया, गुणा 1 बढ़ा घटा रहा है और माइनस का 1 बढ़ा रहा है। अब आप देखो कितने की गुणा होगी, 23 चौका 92 होता है, और 92 में से कितना घटना चाहिए, 3, तो यही गलत हो गया, गलती तो ढूंढना था। 92 में से 3 गया तो 89 आना चाहिए यहाँ, और जब 89 से चेक करना, फिर 89 5 और 4 घटना चाहिए, वो सॉरी 89 3 ही तो आएगा और 4 घटेगा, तो यही आएगा, आप देख लेना, ठीक है। 89 आएगा यहाँ, 89 तिया और -4 करोगे यही आएगा। फिर आगे जो भी इसका 263 दूनी और -5 यही आएगा, बाकी सब आगे ठीक है, सिर्फ ये गलत था, वही बताना था आपको। अब बताओ, ये इतना आसान लॉजिक तो है नहीं वैसे, ठीक है, पर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अंतर देखते हैं ज्यादातर। चलो दूसरा क्या है, उसने वो सोचता कि आप अंतर से देखते हो तो चलो अंतर से ही करो, ये अंतर का दिया है, लेकिन अंतर भी कितना खतरनाक है, देखिएगा अंतर से भी, ये सीरीज जो दी है अंतर से ही दी है, कैसे अंतर देखिएगा कितने का है, यहां है 96 का, फिर आगे देखो 216 का, ठीक है। तो ये 96 से कितना बढ़ा है, 120, और 120 हम और बढ़ा दें आगे तो ये बन जाएगा कितने का अंतर, 120 अगर और बढ़ाएं 336 में 336 जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा 772, उससे भी ये नहीं है, ठीक है, और भी इसने अंतर किया है, फिर इनका भी 96 और ये आया 120, यानी 120 ही आया ना, हाँ, इसने फिर उनका भी अंतर किया है। चलो मैं अभी यहाँ दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि बीच का गायब कर दिया, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ मैं देखूँ ये कितने का अंतर है, जरा देखना, 13 7 864 का, 864 का अंतर है। चलिए भाई, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन करना आसान काम तो नहीं है, 720 पुट करके देखो और वो चीज़ बन जाएगी जो ये चाह रहा था, ठीक है। तो ये देखा आपने, ये कितने का अंतर आया है, कितने का अंतर आया है, 336 से 720 तक अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 64 + 20, कितना आया भाई, 364 + 20, 384 है ना, 384 ठीक है, 384। और आगे देखना, और देखो आगे, ये कितने का है, 600 का पूरा, और ये आ रहा है 864 का, फिर इनका 120, इनका किया कितना, हाँ, और भी लॉजिक लग रहा है कोई, तो ज्यादा बढ़िया बता दीजिए, क्योंकि ऐसे तो लॉजिक 3 का 5 के, ये तो बहुत आसान लॉजिक है, फिर हम क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं,
चलो भाई मैं तो उत्तर देख के पढ़ रहा है इस चक्कर में, सही है, अगर यही बन रहा है तो इससे बढ़िया क्या है। 3 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -5, 7 का क्यूब -7, बहुत बढ़िया। और 9 का क्यूब, 9 का करें या 11 का, वो अभी पता लगेगा। 9 का क्यूब -9, जितना का क्यूब उतने ही माइनस, तो 729 -9, ठीक है। अंतर से तो ये बहुत लंबा पड़ेगा, चलो लॉजिक ऐसे ही ढूंढा करो, ज़्यादा बढ़िया रहोगे। सही है, बेकार चक्कर में पड़ रहे हैं। ड्रामा स्टेज, ड्रामा होता है स्टेज पर, टेनिस होता है कोर्ट पर, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको थोड़ा जीएस से हेल्प होंगी। नेक्स्ट है CFKR, ये क्या है? तो अगर हम देखें ये 3, ये 5, ये 6 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 18 पे, देखो 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, हमके 9 का, यहाँ 27 पे जो आएगा, और 27 पे क्या आएगा? ए, ठीक है। ये तो बड़ा आसान है, ये 3 6 कहाँ से लाए हैं हम? इनके नंबर होते हैं, C का 3 F का 6, ठीक है। चलिए 5 पे आ जाओ, राजमा, मक्का, मूंग और काजू, ये सब दलहन है, दालें हैं, ये ड्राई फ्रूट्स है। चलिए नेक्स्ट 86 42, तो 79 से क्या आएगा बताएं भाई? इससे क्या आपका लॉजिक बनता है? हाँ, 8 6 48 -6 9 7 63 -9, अच्छा ये इकाई का अंक आप घटा रहे हैं, चलो ये भी ठीक है, और कुछ नहीं लग रहा। 8 6 48 - ये इकाई का अंक 42, 9 7 63 - इकाई का अंक 63 में से 9 गए 54, ठीक है लॉजिक भाई। इन्हीं दोनों से लाना है, कैसे भी करके लाओ, और ये हमने गुणा करके देख लिया, बात बन गई, सही है। कुछ बच्चे सोचते 8 6 14 14 3 42, बहुत बढ़िया, ऐसे भी कर सकते हैं, पर आगे देखेंगे 9 7 16 3 48 ऑप्शन में नहीं है, फिर आपको वापस ऐसे ही आना पड़ेगा। तो मतलब बहुत सारे लॉजिक देखने पड़ते हैं, पर जाके फिर एक फिट बैठता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 7वां, एग्जामिनेशन का ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहे हैं ये सारे वर्ड यही है, सारे लेटर ये वही है, ये सारे लेटर वही हैं, जो इसमें कर रखा होगा वो उसमें कर रखा होगा। तो टेम्परामेंट का क्या बनेगा? तो टेम्परामेंट का क्या बनेगा, आप क्या बना सकते हैं, बना दीजिएगा इनमें से, ठीक है। इनको उलट पुलट करके जैसे उसने किया ऐसे आप कर दीजिए। एक तो उलट पुलट का तरीका, एक ये है टेम्परामेंट के सारे अक्षर इनमें ही आ रहे हैं क्या? देखिए देखिए TEMPR भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, मेंट ME भी, क्या? हाँ देखिए, एक तो बदलने का रूल है, हो सकता बदलने वाले से नहीं किया हो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है फिर, कि ये सारे अक्षर आ ही ना रहे हो ऑप्शन में, क्या करोगे आप, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, फिर इनमें से अक्षर का कोड ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो 2 लॉजिक लग सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, क्योंकि टेम्परामेंट के सारे अक्षर, जैसे टी का कोड ई, पर मैं आपको दिखाऊं टी का कोड यहां क्या आ रहा है बताओ, टी का कोड ओ, तो टी के कोड अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये नहीं लग सकता लॉजिक, ये कोड वाला लॉजिक नहीं लगेगा, इसका मतलब फिर ये बदलने वाला रूल ही लगेगा। नहीं तो अगर टी का कोड देखना की बात होती तो वो सब जगह एक सा आता, इसलिए लॉजिक लगेगा बदलने वाला ही। अब बदलने का कैसे लगाएंगे, कि भाई आई एम लिया इसने शुरू में, आई एम, तो मैंने आपको उस दिन ऐसे बताया था कि भाई आप इन पे नंबर डाल दिया करो 10 11, और फिर देखा करो कि ये 9 नंबर को पहले लाया है, 9 या 5, कोई सा एक हो सकता है इनमें जिसको पहले लाया हो, उससे भी पता चल जाएगा किसको ये पहले ला रहा है, 5 6 7 8 9 10 11, तो हमें पता लगा ये 5 वाले को ला रहा पहले। इन दोनों से ये फायदा कि ये 5, भाई यहाँ जो आई लाया हमें क्या पता है 5 वाली लाया 9 वाली लाया पहले, उससे पता लग रही है। अगर ये 9 वाली लाता तो यहाँ ई पहले होती,
तो हमें पता लगा ये पांच वाले को ही ला रहा पहले, तो हम भी पांच वाले को पहले लाएंगे। पांच वाला क्या, ई, तो ई से शुरुआत होगी। तो सेम ये लॉजिक आप ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है, कि जैसे ये पांच वाला लाया, फिर ये चार वाला लाया, तो फिर हम चार वाला ले आएंगे पी। तो ऐसे ही लॉजिक को क्लियर करते हुए जाओ और सारे लगा दोगे। चलिए बहुत बढ़िया, ई पी से शुरुआत। नेक्स्ट है आठवां, जीरोक्स का 59, डेस्कटॉप का 99। तो आप इनको जरा जोड़ के देखिएगा कि ये क्या बन रहा है, क्या लॉजिक बन रहा है इनमें। एक्स का 24 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, और एक्स का फिर 24 होता है। तो 59 तो बन ही नहीं सकता कैसे ही, ठीक है। तो लॉजिक लगाओ फिर क्या बन सकता है। तो इसने क्या इसमें लॉजिक लगा रखा होगा तो देखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स का भी क्या बनेगा, डेस्कटॉप का भी उसी हिसाब से बन रहा होगा। तो एक्स का 24, ई का 5, आर का 18, ओ का 24 और ओ का 15 और एक्स का 24। ये जो इसने किया है इन सबको जोड़ दिया, जोड़ के क्या आया जल्दी बताओ। 24 24 48 और 5 53 और 18 हो जाएगा 71 71 और 15 86 बनेगा ना, नहीं 71, हाँ सही है 71 और 15 86। ये कहता है कि इसका योग भी 14 है, 14 का एक अंक बनाओ 5, और इसका भी योग 14 है और इसका भी एक अंक बनाओ 5, दोनों से बराबर आ रहा है अंकों का योग। इसके अंकों का योग मतलब सिंगल अंक बनाओ आप इसको, 9 9 5 14 14। जो इसने लॉजिक लिखा है वो ये है, ठीक है, बड़ा खतरनाक है, कोई बात नहीं। चलो क्या इसमें भी लग रहा है, ये चेक कर लेते हैं। डी का 4, ई का 5, 19 जोड़ते रहो साथ साथ, 19 5 24 4 28 28 और 11 39 और 20 59 और ये 15 59 और 15 74 और 16 90। अब 90 के अंकों को जोड़ो क्या आया, 9। इसके अंकों को भी जोड़ो 18 18 का फिर एक अंक बना दो, ऐसे बनाया इसने, मतलब ये कोई बात है कुछ भी। चलो क्या करें, क्या कर सकते हैं, 4 15 4 19 19 3 22 22 और 21 45 नहीं 43 43 और 13 43 और 13 56 56 5 61 61 और 14 61 और 14 75 75 और 20 95 और 95 का जोड़ के देखो 14 और 14 का भी जोड़ो 5 5 कौन से बन रहा ऐसा। आई बात कुछ समझ में, मतलब कुछ भी बना सकता है भाई ये तो, क्या सब ठीक है। हीरा नेक्स्ट है दसवां, 357 73 7 3 पहले लास्ट का अंक फिर शुरू का अंक, ऐसा देख लो किसमें हो रहा, लास्ट का अंक और लास्ट का लास्ट में, लास्ट का शुरू में, ये नहीं हो सकता। और बताओ, लास्ट का शुरू में नहीं है, लास्ट का शुरू में और शुरू का लास्ट में, बिल्कुल इसमें और किसी में नहीं है, हैं? अरे तीन अंक वाला देख लेना, हाँ चलो बीच का गायब भी तो करना।